सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ डिजी लॉकर से पैन कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ डिजी लॉकर अपने कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे पैन कार्ड डाउनलोड करना हो, आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, स्कूल के सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना हो, ये सारी सर्विसेज आपको डिजी लॉकर में मिल जाती है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ डिजी लॉकर से पैन कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल को दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन करें, सेलेक्टेड से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। पहले से मैंने डाउनलोड कर लिया, चलिए इसको यहाँ से मैं ओपन कर ले हूँ। ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का साइट खुल कर आपके पास यहाँ का देखिए बहुत सारी यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे डिजी लॉकर में मिल जाएगी। जैसे पैन कार्ड डाउनलोड करिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे खुलकर आपके पास पूरा साइड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखिए पहले से मैंने इसको अकाउंट बना लिया था, फिर से दोबारा यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आ रहा है। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन में विजिट करें, आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आइए कि आपको फुल नंबर डालना है या आधार नंबर डालना है, आपको यहाँ पे डेट डालना, मंथ डालना, आपकी ईयर क्या है, मंथ मेल है कि फीमेल है, आधार क्या वो डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालना, कम से कम 6 डिजिट का आपको पिन बनाना, ईमेल आईडी डालना, मोबाइल आधार नंबर डालना, ये सारी चीज़ डाल के यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले से मैंने अकाउंट बना लिया, चलिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालना, यहाँ 6 डिजिट का कोड डालना, आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना। चलिए दोनों डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाला हूँ, 6 डिजिट का जो पिन है वो मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। तो 2 ऑप्शन यह है, नाम से करना चाहते हैं ईमेल आईडी से, चलिए मैं नाम से यहाँ पे कर लेता हूँ। 6 डिजिट का पिन डाल लेता हूँ मैं यहाँ से। पिन डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे पिन मैंने डाल दिया है। मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल कर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए OTP का मैं वेटिंग कर लेता हूँ। जो मेरे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है इसी पे ये OTP भेजेगा। सॉरी, ये मेरे डिजी लॉकर से ये OTP आया है, आधार कार्ड की तरफ से नहीं आया हुआ। चलिए यहाँ पे मैं OTP डाल लेता हूँ, जो मेरा OTP आया हुआ है। सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ समय का आपको लोडिंग लगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आया है, यहाँ पे यूज़र नेम से करना चाहते हैं या क्या चीज़ से करना चाहते हैं। चलिए यूज़र नेम से मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे मेरा पूरी तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो चुका है ये डिजी लॉकर। देखिए इस तरह का आपके पास साइट खुलकर यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जिस व्यक्ति करना चाहते हैं उसका पैन नंबर डालना, आपको यहाँ पे पैन नंबर डालकर जो पैन कार्ड पर नाम हो वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए दोनों चीज़ यहाँ पे मैं जो मेरा पैन नंबर मैं खुद का अपना करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना डाल लेता हूँ। दोनों चीज़ डाल दिया, आपको टिक मार पे क्लिक करना, आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ समय का आपके पास यहाँ पर ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद क्या रीज़न आपके पास आता है, चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ। ये यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, ये वेरीफिकेशन यहाँ पर हो रहा है, पेंडिंग में भी ये पड़ा हुआ है। जब पेंडिंग से हो जाएगा, चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ। पेंडिंग हो गया है, आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पैन वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा पैन कार्ड इस तरह का डिजी लॉकर से डाउनलोड होकर आया है। यहाँ पे पैन कार्ड लिखा हुआ है, किस व्यक्ति के नाम से ये पैन कार्ड है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे, मेल है फीमेल, जनरल, पैन नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। आपने जाना किस तरह से डिजी लॉकर से पैन कार्ड डाउनलोड किया जाता है, इसी वीडियो में आपने पूरा लाइव देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करें, आप नीचे पूछ सकते हैं।